हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू फील्ड ओके नाउ व्हाट इज स्क्यू फील्ड लेट्स बिगिन मेरे पास एक क्वेश्चन है कब रिंग स्क्यू फील्ड बनेगा क्या ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टीज जो रिंग सेटिस्फाई कर जाए और वो एक्सटेंड होके क्या बन जाए स्क्यू फील्ड तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है ए रिंग आर इज कॉल्ड ए डिविजन इट्स इन स्पेलिंग रिंग आर इ स्क्यू फील्ड इसे स्क्यू फील्ड भी बोला जाता है जब पहली कंडीशन इट इज ए रिंग विद यूनिटी उस रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होना आवश्यक है ओके okay? सेकेंड है इच ऑफ इट्स नॉन जीरो इच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिंग में तो ये दो कंडीशन है अगर कोई रिंग इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो रिंग क्या बन जाती है एक्सटेंड होके क्या फॉर्मेशन क्या स्ट्रक्चर मिलता है स्क्यू फील्ड का या हम डिविजन रिंग भी कह सकते हैं नाउ शोर्ट एंड स्वीट वट इज स्क्यू फील्ड दो प्रॉपर्टी है अगर कोई रिंग उन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो रिंग डिवीजन रिंग बनाएगा या फील्ड बनाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिंग रिंग विद यूनिटी होना चाहिए किसी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना जरूरी है सेकंड है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ओके अच्छा फील्ड के लिए क्या कंडीशन थी फील्ड में क्या होता था किसी रिंग को

इम्पोर्टेंट, देखिए एवरी फील्ड इज ए डिविजन रिंग प्रत्येक फील्ड रिंग तो होगी क्योंकि कोई रिंग फील्ड कब बनाएगा जब वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा तो तब कोई रिंग फील्ड बनाएगा और अगर वो रिंग फील्ड बना रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली स्क्यू फील्ड भी बना रहा है क्योंकि फील्ड की जो दो प्रॉपर्टी है फील्ड में वैसे देखा जाए तो तीन प्रॉपर्टी है राइट तो दो तो स्क्यू फील्ड की है फील्ड अगर कोई रिंग फील्ड बना रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो स्क्यू फील्ड भी बनाएगा यहां पर लिखा गया है एवरी फील्ड इज नेसेसरीली डिविजन रिंग प्रत्येक फील्ड तो डिविजन रिंग होगा ही बट द कन्वर्ट्स मे नोट बी ट्रू लेकिन कन्वर्ट्स इसका हो भी सकता है और नहीं भी प्रत्येक स्क्यू फील्ड फील्ड बना भी सकता है और नहीं भी हम दोनों तरीके के एग्जांपल्स को देखेंगे इफ डिवीजन रिंग इज कम्यूटेटिव देन इट इज आल्सो अ फील्ड अगर उस डिवीजन रिंग में कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज हुई लाइक like कम्यूटेटिविटी की तो फिर वो डिवीजन रिंग फील्ड भी बनाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल अब हम वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो एग्जाम्पल्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं ओके okay? तो फिर से हम एक मैट्रिक्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैट्रिक्स ओके okay? तो ये मैट्रिक्स किस तरीके की है टू क्रोस टू मैट्रिक्स की है विद इंटीजर एंट्रीज नहीं है विद रियल नंबर एंट्रीज है ओके okay? हम इंटीजर एंट्रीज के लिए मैट्रिक्स को पढ़े हैं लेकिन यहाँ हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये इतना फर्क है पहले और अब में ए बी सी डी वी आर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस फर्स्ट एम टू आर मीन्स मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर विद रियल एंट्रीज इज ए रिंग विद यूनिटी सेकेंड ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज़ ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो हमने इंटीजर में बात करी थी तो इंटीजर में मैट्रिक्स क्या मिल रहा था हमें रिंग विद यूनिटी मिल रहा था लेकिन इंटीजर में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ हमने रियल एंट्रीज की बात करी है तो यहाँ पर रिंग विद यूनिटी भी बनाएगा और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो हम जनरल फाइंड आउट किए थे मेट्रिस में मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में तो वहाँ से मैंने जस्ट इन्वर्स को नोट डाउन किया और यहाँ पर लिख दिया ओके हम फिर से इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं हम करी हुई बातें फिर से नहीं करेंगे हम हमेशा नई बातों पर डिस्कशन करेंगे नाउ इसका मैंने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स लिखा है हालांकि जनरल इनवर्स तो वहाँ भी हमने फाइंड आउट किया था अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से देखा है फिर आपको पता होगा कि क्यों प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पर करेगा देखें वो कैसे ये है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कुछ इस तरीके से फर्स्ट एंट्री डी अपॉन ए डी माइनस बी सी सेकेंड एंट्री बी अपॉन बी सी माइनस ए डी थर्ड एंट्री सी अपॉन बी सी माइनस ए डी एंड फोर्थ ए अपॉन ए डी माइनस बी सी एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओके नौ हमने एक एलिमेंट लिया मैट्रिक्स के सेट में से एक एलिमेंट लिया टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का मैंने एक एलिमेंट लिया ओके वन टू जीरो थ्री इसका मुझे इन्वर्स चाहिए तो कैसे फाइंड आउट होगा ये पहली एंट्री ए बी सी डी तो ए बी सी डी की वैल्यू मेरे पास है तो ए की वैल्यू पुट करो ए की वैल्यू क्या है वन तो यहाँ पर अगर आप ए बी सी डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको इन्वर्स मिलेगा थ्री टू बाय थ्री जीरो वन अच्छा ये मैंने वही एलिमेंट लिया है जो एलिमेंट मैंने इंटीजर में यूज़ करा था जब वहाँ इंटीज़र वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर विद इंटीज़र एंट्रीज तो वहाँ मैंने अच्छे से बताया था तो इस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट हुआ लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी थ्री बिलोंग्स टू इंटीजर जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर वन बिलोंग्स टू इंटीजर बट टू बाई थ्री डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर लेकिन यहाँ पर टू बाई थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर ओके थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर वन बिलोंग्स टू रियल नंबर तो क्यों नहीं ये पूरा बिलोंग्स टू एम टू आर ओके तो इस तरीके से प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आ जाए आएगा तो वो रियल लाइन में से और हमारी एंट्रीज क्या है रियल नंबर्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए यहाँ पर प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट या आप कह लीजिए प्रत्येक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ मैं तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स या एलिमेंट हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने क्या देखा रिंग विद यूनिटी बना रहा था विद रियल एंट्रीज के क्वेश्चन की बात करें और सेकेंड ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जो मैट्रिक्स है टू क्रोस टू ऑर्डर की विथ रियल एंट्रीज एंड विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन स्क्यू फील्ड बना रहा है और अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे जनरलाइज वो कैसे अगर हम मैट्रिक्स में थ्री क्रोस थ्री ऑर्डर की बात करें तो वही तो सेम रिजल्ट मिलेंगे जो हम टू क्रॉस टू में किए हैं फोर क्रॉस फोर में भी वही सेम रिजल्ट फाइव क्रॉस फाइव इस तरीके से हम इसको एनथ टर्म तक एक्सटेंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से ये ग्रीन वर्ड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर नाउ नॉन सिंगुलर वोट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो वो जो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है उसमें मैंने नॉन सिंगुलर वर्ड दिया है ओके नाउ सिंगुलर क्या होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा हमेशा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता ओवर रियल नंबर्स फिर से पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मेट्रिक ओवर नाउ मेट्रिस क्यों लिखा है बहुत सारी मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की बात होती है तो एम ए टी आर आई एक्स लेकिन एक साथ बहुत सारी मैट्रिक्स की बात हो रही है तो उसको हम लिखते हैं एम ए टी आर आई सी ई एस ओके ओवर रियल नंबर्स इज ए डिविजन रिंग विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो ये एक स्टेटमेंट है कि क्रोस एन मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर विद रियल एंट्रीज कह सकते हो आप हमेशा रिंग बनाएंगी या क्यू फील्ड बनाएंगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन या जो मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑपरेशन होते हैं तो ये मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड एडिशन ही तो लग रहा है दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होती है पहली एंट्रीज़ पहली एंट्रीज के साथ दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री के साथ तो जो मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ओके तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्रोस एन जो मैट्रिक्स है उनका सेट बना लिया जाए मतलब जितनी भी एनक्रोस एन मैट्रिक्स है जितनी भी रियल एंट्रीज की मैट्रिक्स है और वो इस क्यू फील्ड बनाएगा लेकिन अगर एंट्रीज़ इंटीजर हो गई फिर फिर वो स्क्यू फील्ड नहीं बना पाएगा क्यों नहीं बना पाएगा वो आप देख चुके हो वो आपको आता है लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि वहाँ पर रिंग विद यूनिटी तो आ रहा था वन जीरो जीरो वन यूनिटी तो हमें मिल रही थी लेकिन प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा था अच्छा फिर ये फील्ड तो नहीं बना पाएगा क्यों क्योंकि एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि रिंग को कम्यूटेटिव रिंग होना पड़ेगा लेकिन हम जानते हैं कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं करता ए बी इज इक्वल्स टू बी ए जनरली तो होल्ड नहीं करता कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है लेकिन प्रत्येक मैट्रिक्स ऐसा नहीं कर सकती इसलिए ये कभी फील्ड नहीं बनेगा लेकिन ऐसा वहाँ भी हो रहा था फील्ड वहाँ भी नहीं बन रहा था ओके और यहां पर रियल एंट्रीज भी आ गई हमारे पास लेकिन फील्ड यहां भी नहीं बनेगा एक नोट है इसे देखिए इट इज नॉट ए फील्ड बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव तो आज के जितने भी रिजल्ट हैं इस वीडियो में जितने भी रिजल्ट हैं उनको याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके इट इज नॉट ए फील्ड ये फील्ड नहीं बनेगा क्यों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ओके ए बी डज नॉट इक्वल्स टू पी ए हमेशा होल्ड नहीं करेगा जनरली हम इसको नहीं कह सकते वैसे तो हम सिंपल रिंग काफ़ी पड़ चुके हैं तो उन सिंपल रिंग की हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन से क्यू फील्ड बनाएगा और कौन नहीं तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी थी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग बनाता है रिंग विद यूनिटी बनाता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वाओ पावरफुल ओके तो क्यों नहीं बनाएगा ये क्यू फील्ड इवन ये तो फील्ड भी बनाएगा कैसे क्योंकि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्ट्स एग्जिस्ट करता है नाउ सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या रिंग विद यूनिटी बनाता है कम्युटेटिव रिंग भी यूनिटी बनाता है और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज एयरिंग विद रिस्पेक्ट टू तो स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं एडिशन मल्टीप्लीकेशन की तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर ये दोनों स्क्यू फील्ड बना रहे हैं अब स्क्यू फील्ड को नहीं बनाएगा वट अबाउट जेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन क्या कहना चाहोगे तो सेट ऑफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, रही है? में क्या हो रहा है जेड में प्रत्येक नॉन जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन एग्जिस्ट नहीं करता है यह बात हम कर चुके हैं लेकिन रेशनल नंबर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे रेशनल नंबर में तो आई थिंक करता है क्योंकि देखो यहां पर एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू वन यही होती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन एक्स इनवर्स इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो यहाँ से एक्स इनवर्स कैसा दिखेगा एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स तो अब आप एक्स को क्या रखोगे वन रखो अच्छा हम बताएंगे वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन ही मिलेगा वन अपॉन वन टू का वन बाय टू बिकॉज वन बाय टू इसलिए हम हमारा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वन बाई टू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है पी वाई क्यू ओके थ्री का वन बाय थ्री फोर का तो इस तरीके से हमारा जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा वो तो स्क्यू फील्ड बनाएगा लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स स्क्यू फील्ड नहीं बनाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स नो यहां पर मैंने छोटा सा नो लिखा एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर यस काफी बिगड़ लग रहा है बट ठीक है अब मैंने लिख दिया अच्छा फील्ड के बारे में क्या करना चाहोगे फील्ड भी नहीं बनाएगा लेकिन रेशनल नंबर तो फील्ड बनाएगा क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है इंटीजर्स तो स्क्यू फील्ड ही नहीं है तो फिर ये फील्ड तो क्या ही बनाएगा और सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाएगा सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड बनाएगा क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिविटी है कम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं ये तो ये था हमारा छोटा सा एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट स्क्यू फील्ड का तो हमने फील्ड भी कर लिया स्क्यू फील्ड भी कर लिया और स्क्यू फील्ड को क्या कहते हैं डिवीजन रिंग भी कहते हैं So, and that is it for today. Thanks for watching. Bye. We will see you guys in the next video.